हाय स्टूडेंट, GIT का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे कि अपने कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट डिवाइस के बारे में। किसके बारे में? इनपुट डिवाइस के बारे में। क्योंकि पिछली क्लास हमने आपको बताया था कि जब हमको एक कंप्यूटर तैयार करना होता है तो उसके लिए हमको चार कंपोनेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। कितने कंपोनेंट्स की? जो हमने पहला बताया था क्या, सीपीयू। सीपीयू का दूसरा क्या बताया थे? मॉनिटर। मॉनिटर के बाद से कीबोर्ड, और उसके बाद फिर क्या बताए थे? माउस। यानी कितने कंपोनेंट्स हमको आवश्यकता पड़ती है, सिर्फ क्या करने के लिए? बनाने के लिए। फिर चलाने के लिए हमको कितने कंपोनेंट्स की आवश्यकता पड़ती है? जो हमने बताया था, पहला यूजर हो जाता है, दूसरा क्या होता है? हार्डवेयर, और तीसरा सॉफ्टवेयर। इतना क्लियर है? इसके बाद से अगला हमने आपको बताया था कि जब ये चार कंपोनेंट्स मिल जाएंगे और आपका कंप्यूटर चलने लगेगा, उसका प्रोसेस क्या होगा? इनपुट क्या होगा? इनपुट। इनपुट के बाद क्या होगा? प्रोसेस, और प्रोसेस के बाद से आउट। इतना क्लियर है ना? अब इसमें से सबसे पहले हम बताए थे किसके बारे में पढ़ेंगे, इनपुट डिवाइस के बारे में, और इसी इनपुट डिवाइस में हम लोग पढ़ लेंगे कीबोर्ड और माउस के बारे में। किसके किसके बारे में? कीबोर्ड और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रोसेस। प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? सीपीयू के बारे में। किसके बारे में? सीपीयू के बारे में। और जब हम लोग आउटपुट पढ़ेंगे तो आउटपुट हम पढ़ लेंगे किसके बारे में? मॉनिटर के बारे में। आया समझे ना? फिर जब ये हम लोग का खत्म हो जाएगा प्रोसेस, तब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लें किसके बारे में, इनपुट डिवाइस के बारे में, कि इनपुट क्या है और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, जैसे सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर पे आते हाँ हैं, इनपुट डिवाइस में यहाँ सबसे पहले दे रहा है क्या, व्हाट इज इनपुट, आखिर ये इनपुट है क्या। आ रहा समझे ना? आखिर हम इनपुट कह रहे हैं, इनपुट का नाम ले रहे हैं, तो आखिर ये इनपुट क्या चीज है? तो बता रहा है, टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर कॉल्ड इनपुट। टू गिव इंस्ट्रक्शन कि जो हम अपने कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, अपने कंप्यूटर को निर्देश क्या करते हैं, देते हैं टू द कंप्यूटर कॉल्ड इनपुट। उसे कंप्यूटर के लिए क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। अच्छा उसे क्या कहते हैं? इनपुट। और अगला कह रहा है, दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन, यानी कि कितने नंबर का वर्क है? पहले नंबर का वर्क है। क्योंकि अगर जो हम ये कहें पहले हमारा डेटा क्या होगा? इनपुट होगा। इनपुट के बाद क्या होगा? प्रोसेस। फिर क्या होगा? आउट। ये कितने नंबर का वर्क है? ये फर्स्ट नंबर का वर्क है। तो अब इसमें पहला, ये कितने नंबर का वर्क है? पहले नंबर। यानी कि कभी काम करे, जैसे सपोज करिए कभी हम बताएं कि इनपुट होगा, इनपुट के बाद क्या होगा? प्रोसेस, और प्रोसेस के बाद से आउट। तो जब सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर बैठेंगे काम करने के लिए, तो पहला काम हमारा यही होता है कि अपने कंप्यूटर को क्या देना, निर्देश देना। कि जैसे हम निर्देश देंगे वैसे ही तो हमारा कंप्यूटर चलेगा ना। तो जो निर्देश हम देते हैं वही निर्देश क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे दिया है इनपुट डिवाइस, दे रहे यहाँ पे डिवाइस दैट हेल्प टू इनपुट डाटा इनटू द कंप्यूटर। ये सहायता देते हैं कि आप अपने डाटा को अपने कंप्यूटर के अंदर इनपुट करा सकते। लाइक जैसे कीबोर्ड, माउस और स्कैनर, ETC। हाँ, दूसरे लैंग्वेज में अगर हम लोग आएंगे ना, तो दूसरे लैंग्वेज में देखिए एक और यहाँ पे इनपुट डिवाइस का डेफिनेशन मिले। अच्छा आ जाइए, अब दूसरे लैंग्वेज में यहाँ क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहले ये कह रहा है, इनपुट यूनिट के अंतर्गत उन डिवाइस को रखा गया है। इनकी सबको तो हम नहीं रख सकते हैं। अब जैसे सपोज करिए, सिंपली हम एक शब्द ये ले लेते हैं, स्पीकर। क्या ले लेते हैं? स्पीकर। स्पीकर क्या करता है? आवाज को बाहर निकालता है ना, तो एक प्रकार का क्या होगा? आउटपुट डिवाइस होगा। तो उसको तो हम इसके अंतर्गत नहीं रख सकते हैं ना, क्योंकि वो क्या करता है? आउटपुट डिवाइस, वो डेटा को बाहर निकालता है। अच्छा आ रहा समझे ना? और इनपुट डिवाइस क्या करेंगे? हमसे डेटा को लेंगे और हमारे कंप्यूटर के अंदर लाके क्या कर देंगे? ट्रांसफर। आ रहा समझे ना? तो सिर्फ उन्हीं डिवाइस को रखा गया है कि जो क्या करेंगे, यूजर से डेटा लेंगे और कंप्यूटर के अंदर लाके इनपुट करा देंगे। क्योंकि आप कह रहा है इनपुट यूनिट के अंतर्गत उन डिवाइस को रखा गया है जिनके द्वारा हम अपने डाटा या इंटरक्शन को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते। अगला कह रहा है कि यह यूनिट कंप्यूटर और उसके यूजर को आपस में जोड़ने का कार्य करती है।
यह यूनिट क्या करता है, कंप्यूटर और उसके यूजर को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। जैसे अब सिंपल एक शब्द में सपोज करिए कि हमारे पास कोई इनपुट डिवाइस नहीं। इनपुट डिवाइस क्या, कीबोर्ड माउस, यही बताया है ना। इसके पहले देखिए यहाँ भी दे रहा है इनपुट डिवाइस क्या, कीबोर्ड माउस स्कैनर और माइक्रोफोन। सपोज कि आपके पास ये चारों डिवाइस, की चारों में से कोई डिवाइस आपके पास नहीं है, तो क्या आप अपने कंप्यूटर से डायरेक्टली जाके कनेक्ट हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हम कंप्यूटर चलाने जाएंगे तो पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, इनपुट डिवाइस होना चाहिए। पहले कौन सा डिवाइस होना चाहिए, इनपुट डिवाइस। और वही कह रहा है कि यह यूनिट क्या करता है, कंप्यूटर और यूजर को आपस में जोड़ता है। काम हम कंप्यूटर से कराते हैं, काम किससे कराते हैं, कंप्यूटर से। हम बैठ के खुद कहते हैं कंप्यूटर के ये ऐसे ऐसे काम करना है, कंप्यूटर काम करते हैं, हम डायरेक्टली कंप्यूटर से कनेक्ट रहते हैं। लेकिन कनेक्ट कराने का जो काम करता है वो किसका होता है, इनपुट डिवाइस। और आय कह रहा है इनपुट यूनिट वे हार्डवेयर हैं जो यूजर से डाटा को इनपुट के रूप में लेते हैं और कंप्यूटर के मेन मेमोरी रैम को ट्रांसफर कर देते हैं। इनकी क्या है, ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी, समझ लीजिए। जैसे आप लोग जब कोई भी फोन या कुछ लैपटॉप खरीदते हैं ना, तो सबसे पहले आप लोग उसका रैम देखते हैं। सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि क्या जी उसका रैम है, क्या जी कितना उसका प्रोसेसर है, सही काम करेगा कि नहीं करेगा। तो जो कंप्यूटर मेमोरी होता है ना, तो सबसे मेन मेमोरी उसका क्या होता है, रैम होता है। मेन मेमोरी क्या होता है, जब इनपुट डिवाइस यूजर से डाटा को ले लेता है तो लेने के बाद वो सबसे पहले किसको देता है, रैम को देता है। अब देखिए रैम का काम क्या है, तो कह रहा है यूजर से इनपुट डाटा को कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा बाइनरी में बदल देती है। अब ये चीज समझ लीजिएगा, आप अपने कंप्यूटर को किसी भी लैंग्वेज में इनपुट दीजिए, हिंदी में, इंग्लिश में, भोजपुरी में, गुजराती, मराठी में, किसी भी लैंग्वेज में इनपुट दीजिए, लेकिन बस वो एक ही शब्द समझता है, वो कौन सा होता है, बाइनरी। क्या होता है, बाइनरी। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि बाइनरी कौन सा लैंग्वेज है, आ रहा समझे ना। ये बाइनरी एक मशीनरी लैंग्वेज है। कौन सा लैंग्वेज है, मशीनरी लैंग्वेज, जिसको सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है, बाकी और कोई नहीं समझ सकता। इसका डिजिट होता है, जो बाइनरी होता है, बाइनरी दिया है ना, बाइनरी का डिजिट होता है 0.1। क्या होता है, 0.1। अब ये बाइनरी निकालने के लिए समझ लीजिए कब 0.1 आएगा, तो लगभग आप लोग मैथ पढ़े होंगे ना, मैथ मैथ में क्या होता है, लॉस ऑफ या मॉस ऑफ पढ़े होंगे ना। तो अगर जो कोई अंक दिया होता है और उस अंक को अगर हम लोग क्या करते हैं, 2 से काटते हैं, तो लास्ट में क्या, 0 या तो 1, यही बचता है ना। जब काटते हुए जाएंगे तो लास्ट में क्या बचेगा, 0, पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, लास्ट में क्या बच जाएगा, 0। अब इसमें जो भी हमारा लास्ट में 0.1 बचेगा, यही 0.1 हमारा क्या कहलाता है, बाइनरी नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, बाइनरी नंबर कहलाता है। अब वैसे ही सबसे पहले हम ये समझे कि एक हमारा ये कंप्यूटर है और अपने कंप्यूटर में हम इनपुट दे रहे हैं, इनपुट डिवाइस के माध्यम से ही देंगे। किसके माध्यम से देंगे, इनपुट डिवाइस के माध्यम। अब इनपुट डिवाइस क्या करेगा, डेटा को हमसे लेगा और कंप्यूटर के मेन मेमोरी रैम को क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। तो कंप्यूटर का रैम, रैम जो है मेन मेमोरी, वो क्या करेगा, तो कंप्यूटर एक भाषा समझेगा, कौन सा, बाइनरी। जैसे सिंपल आप लोग देखें कोई फोटो अगर क्लिक करते हैं, तो फोटो किस में जाता है, एमबी, केबी, जेबी, इसी में जाता है ना। कोई मूवी होगा, कोई वीडियो, तो किस में जाएगा, केबी में रहेगा, या तो एमबी में या तो जीबी में, यही रहता है ना। हम उसको स्टोर किस में करते हैं, वीडियो में, लेकिन कंप्यूटर किस में समझता है, केबी, एमबी, जीबी। आ रहा समझे ना, समझ लीजिए। जो हम 0.1 बताए ना, इसी डिजिट से मिलके बनता है केबी, एमबी, जीबी और टीबी। आ रहा समझे ना, जैसे 0.1 ये आपका क्या हो गया, बाइनरी हो गया। जब ये बाइनरी 4 बार मिलाया जाएगा, कितनी बार, 4 बार, यानी कि 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1, ऐसे 4 बार मिलाया जाएगा, तब जाके क्या बनेगा, एक बीट बनता है। क्या बनता है, एक बीट बनता है। और यदि 8 बार मिलाया जाएगा, कितनी बार, 8 बार मिलाया जाएगा, एक बाइट्स बनता है। तब क्या बनता है, बाइट्स बनता है।
क्लियर है ना। और इस बाइट्स को जब मिलाया जाएगा कितनी बार, 1024 बार। कितने बार मिलाया जाएगा, 1024 बार। तो ये 1 KB बन के आता है, कितना बन के आता है, 1 KB। और जब ये 1024 KB को, कितना को, 1024 KB को मिलाया जाएगा, तब तो ये 1 MB बन के आता है। आ रहा समझे ना, जैसे आप लोग देखेंगे हम फोन चला रहे हैं तो हमारा फोन स्पीड नहीं दे रहा है, और स्पीड दे रहा है तो केबी में दे रहा है, केबी से बड़ा क्या हो गया, तो एमबी में स्पीड दे रहा है। आ रहा समझे ना, ये जो भी लैंग्वेज है, यानी कि जो भी केबी एमबी जेबी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सारा किसका लैंग्वेज है, कंप्यूटर का लैंग्वेज। आ रहा समझे ना, यानी कि कंप्यूटर जो भी लैंग्वेज समझेगा, जिस जिस भी लैंग्वेज में एंट्री देंगे, वो सिर्फ किसमें समझेगा, बाइनरी को। और बाइनरी डिजिट यानी कि सबसे छोटी इकाई क्या होता है, 0, इतना क्लियर है ना। इसके बाद से आगे इसमें कह रहा है क्या, यूजर से इनपुट डाटा को कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा बाइनरी में बदल देगा, यानी कि जो हमारा कंप्यूटर भाषा समझेगा ना, उसी में क्या कर देगा, वो बदल देगा। जैसे देखिए दे रहा है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और माइक्रो। क्लियर है इतना ना, थोड़ा सा ये नोट करें फिर आगे बताते हैं। उसका से बार सवाल देख लीजिए, ये सभी इनपुट डिवाइस के नाम दिया है, जैसे दिया है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ओसीआर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, वेबकैम, टच पैड, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, लाइट पेन, डिजिटाइजर, वीसीआर, ओएमआर और एमआईसीआर। ये सभी हमारे कंप्यूटर का क्या है, इनपुट डिवाइस है। इन सब के माध्यम से कोई ना कोई डेटा हमारे कंप्यूटर के अंदर इनपुट किया जाता है। देखिए सबसे पहला हमारा क्या था, व्हाट इज इनपुट, पहले यहां से लिखना स्टार्ट कर लीजिए, व्हाट इज इनपुट, इनपुट क्या है। पहले दिया है कीबोर्ड, कीबोर्ड में क्या कह रहा है, सबसे पहले तो सबसे पहले दे रहा है अंडरस्टैंडिंग कीबोर्ड लेआउट, कि आप कीबोर्ड लेआउट के बारे में समझे, कीबोर्ड लेआउट क्या है। इसमें हमने आपको बताया था कीबोर्ड में टोटल कितने टाइप के बटन होते हैं, 6 टाइप। कितने टाइप के बटन होते हैं, 6। कौन कौन, सबसे पहले हम आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा पहला क्या, फंक्शन। पहला क्या दिखाई देगा, फंक्शन। दूसरा जब आएंगे, दूसरा आपको इसमें दिखाई देगा सिंबल, यानी कि ये जो भी आपको दिख रहा है ना, इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंबल की, क्या बोलते हैं, सिंबल की। उसके नीचे ये क्या दिया, न्यूमेरिक की, कितने टाइप हो गए, 3। कितने टाइप हो गए, 3। उसके बाद जो ये लिखा है ए से लेकर टोटली जेड तक, ये हमारा क्या होता है, अल्फाबेट की होता है। क्या होता है, अल्फाबेट की। और अल्फाबेट की के बाद जब नीचे आएंगे ना, आपको दिखाई देगा इधर एस्केप, टाइल्ड, टैब, कैप्स लॉक, सेफ्ट, कंट्रोल, विंडो, अल्ट, इन सब को हम बोलते हैं स्पेशल की। क्या बोलते हैं, स्पेशल की, यानी कि सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, फंक्शन की, फंक्शन की के बाद से ये क्या हो जाएगा, सिंबल की, सिंबल की के बाद से न्यूमेरिक की, न्यूमेरिक की के बाद से अल्फाबेट की, अल्फाबेट की के बाद से स्पेशल की, और उसके बाद जब आएंगे तो 6वें नंबर पे आपको दिखाई देगा यहाँ पे क्या है, कर्सर कंट्रोलर की। क्या दिखाई देगा, कर्सर कंट्रोलर, यानी कि सबसे पहला क्या है, फंक्शन की 1, सिंबल की कितना, 2, नंबर की कितना हो गया, 3, अल्फाबेट कितना, 4, स्पेशल कौन से नंबर पे, और फिर ये कंट्रोल, 6। क्लियर है सबको ना। अब ध्यान दें, इधर भी जो आपको बटन दिख रहा है ना, इन सबको भी स्पेशल की में ही काउंट किया जाता है। किसमें काउंट किया जाता है, स्पेशल। और स्पेशल की के बाद जब इधर आएंगे तो आपको दिखाई देगा, इन सबको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिक की पैड। क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक की। क्लियर है ना। अब देखिए सबसे पहले अब हम लोग ये आ जाए, ये तो हो गया कीबोर्ड में कितने टाइप के बटन हो गए, तो कितने टाइप हो गए। इसके बाद जब हम आएंगे ना, तो ये बताएगा कि ये कौन सा है, ये न्यूमेरिक की पैड है। ये कौन सा है, न्यूमेरिक की पैड। न्यूमेरिक की पैड के आगे आगे तो ये क्या है, कर्सर कंट्रोलर की,
अब उसके आगे बताएंगे, आएंगे तो बताएगा कीबोर्ड क्या है। अब देखिए सबसे पहले कह रहा है मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस। मोस्ट कॉमन का मतलब क्या होगा कि अगर जो कंप्यूटर सिस्टम में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जरूरी अगर जो डिवाइस है तो वो कौन सा है? कीबोर्ड। कौन सा डिवाइस है? कीबोर्ड। अब इसमें कह रहा है पहला 84 से लेकर के कितना 107, यानी कि 84 to 107 की इन कीबोर्ड, यानी कि 84 से लेकर के 107 की होते हैं कीबोर्ड में। लेकिन किसमें 84 होगा और किसमें 107 होगा? अरे समझे ना, तो समझ लीजिए जिसमें यहाँ बगल में न्यूमेरिक की पैड दिया होगा, बगल में क्या दिया होगा? न्यूमेरिक के पैड दिया होगा, तो उसमें 107 बटन होंगे। कितने बटन होंगे? 107। और जिसमें ये न्यूमेरिक की पैड नहीं दिया होगा, ये साइड वाले न्यूमेरिक के पैड, उसमें कितने बटन होंगे? 84, यानी कि 80। क्लियर है ना? और आगे जरा 14 की इन एक्स्ट्रा मल्टीमीडिया की वो, मल्टीमीडिया की का मतलब क्या हो, जैसे कोई वीडियो प्ले करते हैं ना तो शॉर्टकट की भी देता है, कुछ वैसे भी की देता है जिससे आप ऑडियो को कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं, वीडियो प्ले कर सकते हैं, रोक सकते हैं, उसको आगे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, यानी इन सभी की को क्या कहा जाता है? मल्टीमीडिया की। आगे कह रहा है यूज फॉर टेक्स्ट यूज फॉर इनपुट टेक्स्ट डाटा इन कंप्यूटर। इसका यूज क्यों करते हैं? तो टेक्स्ट डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है ना? और फिर आगे कह रहा है टाइप्स ऑफ की इन कीबोर्ड। हमने कितने टाइप बताया? 6 टाइप। पहला क्या? फंक्शन की। दूसरा न्यूमेरिक की पैड। तीसरा सिंबल की। चौथा अल्फाबेट की। और पांचवा एरो की। और फिर छठवा स्पेशल की। अब स्पेशल की में सारा कैटेगरी दिया, कौन कौन? एस्केप, कंट्रोल, ऑल्ट, सेव, होम, एंड, पेज अप और पेज डाउन। ये सभी कौन से बटन होते हैं? स्पेशल। इन्हीं बटन के बारे में हम लोग को एक एक करके पढ़ना है कि हाँ ये इनपुट डिवाइस से अब कंप्यूटर डिवाइस में आती है, कीबोर्ड डिवाइस में आते हैं, तो ये कीबोर्ड डिवाइस क्या है? कीबोर्ड में हमने ये समझ लिया क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जो क्या करता है, टेक्स्ट डेटा को कंप्यूटर में इनपुट कराता है। कितने टाइप के बटन होते हैं इसमें? 6 टाइप के। अब इन्हीं 6 टाइप के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि आखिर कीबोर्ड कितने कीबोर्ड में जो फंक्शन की इनका कैसे इस्तेमाल करते हैं हम लोग, अरे समझ में, सिंबल की का कैसे इस्तेमाल करते हैं, स्पेशल की का कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो ये आगे हम लोग जाने। क्लियर है ना? फिलहाल आज आप लोग पहले इतना नोट कर लीजिए और बाकी इसके बारे में आएगा। सबसे पहला हमारा क्या? फंक्शन की। सबसे पहला क्या आएगा? फंक्शन। इस फंक्शन की के बारे में हम लोग जानेंगे अगली क्लास में कि फंक्शन की क्या और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल आज पहले ये नोट कर लीजिए। तो आज आप लोग इतना ये पढ़ के समझ लीजिएगा कि इनपुट डिवाइस क्या है, कैसे ये काम करते हैं, और बाकी अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? पहले सबसे पहले पढ़ेंगे कीबोर्ड के बारे में, कीबोर्ड क्या है और ये कैसे काम करते हैं। क्लियर है ना? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक दिन अपना थ्योरी का क्लास और एक दिन अपना प्रैक्टिकल का क्लास, दोनों साथ लेकर के चलेंगे ताकि बोरिंग महसूस नहीं। क्लियर है?